चलिए आगे बढ़ेंगे। आज सीएम भूपेश बघेल बलरामपुर दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री यहां 3 दिवसीय तातापानी महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान सीएम 976 करोड़ 47 लाख के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे, जिसमें रामानुजगंज विधानसभा क्षेत्र में 284 विकास कार्यों का शिलान्यास और 446 विकास कार्यों का लोकार्पण होगा। इसके साथ ही सामरी विधानसभा क्षेत्र में 777 विकास कार्यों का शिलान्यास और 16 विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा प्रतापपुर विधानसभा में भी कई विकास योजनाओं की जानकारी दी जाएगी, सौगात दी जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान किए गए 20 घोषणाओं और 3 निर्देशों का शिलान्यास और सामरी विधानसभा क्षेत्र में विद्युत विभाग के 2 घोषणा के कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तातापानी महोत्सव में संपन्न होने वाले मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह योजना के अंतर्गत 501 जोड़ों के विवाह समारोह में भी शामिल होंगे। तमाम कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के रहने वाले हैं। बलरामपुर का दौरा जहां पर रहेगा, वहीं तातापानी महोत्सव का भी शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे और कई विकास योजनाओं की सौगात भी दी जाएगी। 976 करोड़ से ज्यादा की सौगात देंगे मुख्यमंत्री। छत्तीसगढ़ में इस साल के आखिर में चुनाव होना है। चुनाव की तैयारियों में बीजेपी कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक पार्टियां जुट गई हैं। वहीं सभी पार्टियों में दावेदारों के टिकट को लेकर अभी से कसरत शुरू हो गई है, जिसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी में तंज सियासत तेज है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में सबकी निगाहें इस पर भी टिकी हुई हैं कि 2023 में बीजेपी किस फॉर्मूले पर टिकट बांटेगी। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने टिकट वितरण को लेकर पहले ही संकेत दे दिए हैं। एक बैठक के दौरान उन्होंने ये कहा है कि कोई ये मान कर न चले कि हम प्रत्याशी हैं, बल्कि खुद को कार्यकर्ता समझकर पार्टी का काम करें, ताकि पार्टी को आगामी चुनाव में फायदा मिले। बताया जा रहा है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में सभी नए चेहरों को टिकट दिया गया था, वही फॉर्मूला 2023 के विधानसभा चुनाव में भी अपनाया जाएगा। ओम माथुर के इस बयान पर सीएम बघेल तंज कस रहे हैं। तो पहले का दिया गया था, सारे बड़े जो 14 बचे उसको भी कह दिया गया था तुमको टिकट मिलने वाली नहीं है, वो अपने कोई देख लो किसी को, दूसरे किसी मिलेगी, क्योंकि लोकसभा में सबके टिकट काट के देख लिए, अभी गुजरात में सबके टिकट काट दिए, तो विधानसभा में सबकी टिकट कटने वाली है, तो वो कैसे अपने आप को बचाएं, किस कवायद में लगे हुए। तो वहीं सीएम के तंज पर बीजेपी भी पलटवार करने से नहीं चूक रही है। बीजेपी का कहना है कि मुख्यमंत्री बीजेपी की चिंता छोड़कर अपनी पार्टी की चिंता करें। बीजेपी ने सीएम को नसीहत दी है कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं मारा करते। भाजपा में किसकी टिकट कटेगी किसकी नहीं कटेगी इसकी चिंता करने की बजाय पहले मुख्यमंत्री जी पीएस सिंहदेव जी से तो बात करिए, पहले आप जयसिंह अग्रवाल जी से तो बात कर लीजिए जो आपकी सर्वे की रिपोर्ट को खारिज करते हैं, पहले आप उन विधायकों से तो बात कर लीजिए जिनके टिकट काटने को आप तैयार हैं और अभी अभी आपने उन्हें धमकी दी है कि सुधर जाओ नहीं तो टिकट काट लिया जाएगा। जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरे के घर पर पत्थर नहीं मारा करते मुख्यमंत्री जी। बहरहाल छत्तीसगढ़ में अभी विधानसभा चुनाव को करीब 10 महीने बाकी हैं। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस समेत तमाम दलों से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे नेताओं के लिए आलाकमान की ओर से स्पष्ट संकेत दिए जा रहे हैं कि वो अपनी परफॉर्मेंस सुधार लें या जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के बीच सक्रिय हो जाएं। ऐसे में अब देखना होगा कि कौन अपनी साख बचाने में सफल होता है और किसकी टिकट कट जाती है। रायपुर से अंकुश शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। छत्तीसगढ़ में ईडी की छापेमार कार्रवाई पर एक बार फिर से सियासी संग्राम छिड़ गया है। सीएम भूपेश बघेल ने आरोप लगाए हैं कि ईडी बीजेपी का चुनावी हथियार है। उन्होंने ईडी की कार्रवाई को राजनीतिक उद्देश्य के लिए बताया है। देखिए रिपोर्ट।